हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लड़कों के पीछे लड़कियां पागल होती हैं। तो आज के वीडियो सीराफिक पे हैं और इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि आप लड़कियों की पसंद नापसंद को अच्छे से समझ पाओ कि वो कैसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप करना पसंद करती हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं कि लड़कियां कैसे लड़कों के पीछे पागल होती हैं। तो फर्स्ट हैं वो लड़के जिनके अंदर पेशेंस होते हैं, मतलब कि जो धीरज रखना जानते हैं। तो ऐसे लड़कों को लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। वो क्यों? इसका एक रीज़न है क्योंकि दोस्तों देखो, लड़कियों के मूड के बारे में तो आपको पता ही है कि लड़कियों का जो मूड है ना, मिनट मिनट में बदलता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, कभी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, ठीक है। तो उनका मूड जो है काफ़ी स्विंग होने लगता है, मतलब कि तुरंत तुरंत मिनटों मिनटों में बदलने लगते हैं। तो इसी वजह से वो ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप करना पसंद करती हैं जो उनको हैंडल कर पाए, लाइक उनके मूड को हैंडल कर पाए, जिससे उनका रिलेशनशिप सही चल सके। तो ठीक है, तो इस वजह से मोस्टली लड़कियां, जो लड़के अच्छे से पेशेंस रख पाते हैं, धीरज रख पाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पसंद करती हैं, ठीक है, जो हर सिचुएशन में काम रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न तो यह है। दूसरा है वो लड़के जिनके अंदर ईगो नहीं होता है, जो ईगो फ्री होते हैं। तो ऐसे लड़कों को भी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि दोस्तों देखो, एक एटीट्यूड एक अलग बात है और ईगो एक अलग बात है। बट अगर आपके अंदर ईगो है तो आपको कोई भी पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा कि जिस इंसान के अंदर ईगोस बहुत ज़्यादा होता है तो उसके आसपास के सभी लोग जो हैं उससे कटते रहते हैं, मतलब कि उससे दूरियां बनाते हैं, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए जिन लड़कों के अंदर ईगो नहीं रहता है, जो ईगो फ्री रहते हैं, उन्हें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं उनके साथ में रिलेशनशिप करना। क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो ईगो जिनके अंदर ईगो होता है वो लोग सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं। सामने वाले की इज्जत क्या है या सामने वाले की रिस्पेक्ट क्या है, इसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, इससे उन्हें मतलब नहीं होता। वो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए लड़कियां उन्हें पसंद नहीं करती हैं क्योंकि लड़कियों को चाहिए कि उनका पार्टनर उन्हें प्रायोरिटी दे, उन्हें समझे। तो इसीलिए वो ईगो फ्री पर्सन को ज़्यादा पसंद करती हैं, उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। दूसरे हैं वो लड़के जो जिन्हें प्यार का पता होता है कि प्यार कैसे दिखाया जाता है या अपने पार्टनर को प्यार किस तरीके से जताया जाता है। तो ऐसे लड़कों को भी लड़कियां पसंद करती हैं, उनके लिए भी पागल रहती हैं। क्योंकि दोस्तों, पार्टनर अगर प्यार करने वाला हो, लविंग हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से प्यार दिखाए, तो एक तो प्लस पॉइंट ये होता है कि इससे आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलता है। दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि कभी भी एक दूसरे के बीच में इंटरेस्ट जो है ख़त्म नहीं होता, ठीक है, उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनती है। तो इसीलिए प्यार दिखाने वाला पार्टनर भी मोस्टली लड़कियों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, उनकी तरफ वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐसे लड़के जो जिन्हें प्यार के बारे में पता होता है। नेक्स्ट है वो लड़के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लॉयल होते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर लॉयल हों, रिस्पॉन्सिबल हों। तो ऐसे लड़कों के लिए भी लड़कियां पागल रहती हैं उनके साथ रिलेशनशिप करने के लिए, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना ज़्यादा नहीं निभाते हैं, ठीक है। तो वहीं पर लड़कियां ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो रिस्पॉन्सिबल हों। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।